और अब रुक करते हैं देश की राजधानी दिल्ली का, जहां पर पानी की किल्लत बहुत ज्यादा हो गई और दिल्ली में जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने हरियाणा भवन का घेराव किया, हरियाणा सरकार पर पानी ना छोड़ने का आरोप भी लगाया। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिए थे हरियाणा और हिमाचल को कि जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं उस हिसाब से हरियाणा और हिमाचल दिल्ली को पानी दे, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा पर आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए कि हरियाणा की तरफ से दिल्ली को पानी नहीं सप्लाई किया जा रहा है। वहीं नीट परीक्षा में धांधली के आरोप को लेकर जगह जगह छात्र संगठनों का गुस्सा भी फोड़ता हुआ नजर आ रहा है। गुस्साए छात्रों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में आज जेएनयू स्टूडेंट यूनियन आईसा के साथ कुछ अन्य छात्र संगठन के छात्र एजुकेशन मिनिस्ट्री के बाहर वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जहां शास्त्री भवन के बाहर भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को शास्त्री भवन के बाहर तैनात किया गया था। प्रदर्शन करने आए छात्रों की मांग थी कि नीट परीक्षा रद्द होनी चाहिए और उसकी जांच करवानी चाहिए। एनटीए पे छात्र काफी गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए। छात्रों का कहना था कि एनटीए किसी भी एग्जाम को ना कराए। आप देख सकते हैं किस तरह से स्टूडेंट यूनियन जो हैं वो नीट पेपर में धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं और सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री हाय हाय के नारे लग रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री अब देश का नया कौन होगा ये आज चीज़ें क्लियर होंगी। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये साफ भी कर दिया गया था कि किसी तरह से कोई धांधली नहीं हुई है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और दोबारा परीक्षा नहीं होगी। उसके बावजूद देश के अलग अलग शहरों में छात्रों का गुस्सा फूटा है। देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई छात्र संगठन नीट पेपर के मामले में मुद्दे पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन सामने आया। हरियाणा सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का यह विरोध प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हरियाणा भवन का घेराव किया है। हरियाणा सरकार पर पानी न छोड़ने का आरोप लगाया गया है। तो जैसे ही गर्मी शुरू हुई आम आदमी पार्टी ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी। आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने यह चिट्ठी लिखी थी और उसमें कहा था कि दिल्ली पानी के संकट से जूझ रही है और पानी मुहैया कराया जाए, लेकिन इसके बाद देखिए अब दिल्ली के हरियाणा भवन में यह प्रदर्शन हो रहा है। यानी दिल्ली में पानी की किल्लत, लेकिन सियासत भी इस पर अब तेज होती नजर आ रही है। हरियाणा पर आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया था, आम आदमी पार्टी की सरकार ने हरियाणा पर आरोप लगाया था कि यमुना का जल स्तर लगातार घट रहा है, हरियाणा दिल्ली को पानी कम मुहैया करा रहा है और उसी को लेकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को खत भी लिखा गया था।